आज हम पढ़ेंगे पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पावर क्या है, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कितनी तेजी से बंदा कोई काम करता है उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी हो गया, जैसे मोटर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा सर्किट कि कितनी ट्रांसफर हो रही है उसमें एनर्जी, तो रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी टू दैट सर्किट पर यूनिट टाइम को भी हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। पावर एक तरह से जैसे आप मान लो 5 HP, ठीक है, 5 kW, ये क्या है पावर, तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है वाट्स। ठीक है, तो वाट्स है ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से, पर यूनिट सेकंड हो सकता है, पर यूनिट आवर हो सकता है। तो रेट ऑफ, कितनी तेजी से बात कर रहा है, मतलब ताकत, एक एक चीज को हिलाने की ताकत कितनी है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पावर। तो पावर का फार्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, बी इक्वल टू बी वोल्टेज इंटू करंट डीसी सर्किट में। लेकिन एसी सर्किट में ये चेंज होता है, एसी सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, कॉस फाई क्या, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अगर आपका 1 के आसपास होगा तो पावर आपकी पी इक्वल टू वीआई के आसपास ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर कम होता है तो वोल्टेज और करंट बराबर होने के बावजूद भी पावर आपकी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये है पावर इक्वल टू वीआई कॉस फाई एसी सर्किट में। एसी सर्किट में इसके अलावा दो और पावर होती है, एक होती है अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर होगी वीआई, सिंपल जैसे डीसी में है पावर इक्वल टू वीआई, तो अपेरेंट पावर है एसी में वीआई। वीआई मतलब ये कि अप्रोक्सीमेट पावर बताता है कि सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम है, जैसे 2 kVA 3 kVA, तो केवीए में जो पावर होगी वो अपेरेंट पावर होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पावर के आसपास ही बताती है। दूसरी होगी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की यूनिट है किलोवाट। ठीक है ना, तो एक्टिव पावर क्या है, वीआई कॉस फाई। तो रियल पावर, एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, ये सभी एक ही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वीआई कॉस फाई। इसके अलावा एक और होती है हमारे पास, वाटलेस पावर बोलते हैं उसको। ठीक है, वाटलेस पावर बोलो या फिर रिएक्टिव पावर बोलो उसको। ठीक है, तो ये हमारी पावर ये यूज होती है जनरेटर में, जब एक्साइटेशन हम देते हैं जनरेटर को तो केवीआर में देते हैं, केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ठीक है, केवीआर जो है यूनिट है इसका रिएक्टिव पावर का। तो इसका फार्मूला क्या है, वीआई साइन फाई, इसका क्या था कॉस फाई, तो रिएक्टिव पावर का क्या, साइन फाई। ये बेसिकली कोई पावर नहीं देती सर्किट को, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे इंसान की, इंसान के साथ परछाई होना जरूरी है, तो ये ऐसे पावर, एक्टिव पावर के साथ रिएक्टिव पावर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये परछाई की तरह चलती है ये एक्टिव पावर के साथ में, ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बाकी इसका कोई रियल में पावर नहीं बनाती है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर है ये एसी सर्किट्स में, डीसी में सिंपल आपका पी इक्वल टू वीआई होता है। तो पावर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर बाय आर, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेसिस्टेंस, वो उसकी पावर रेटिंग होगी इक्विपमेंट की। तो पावर वाटेज ऑफ इक्विपमेंट क्या होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, जो उसमें पावर कंज्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, आई स्क्वायर आर के आसपास। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी होगी ओवरऑल उसने 1 घंटे में या कितने 5-10 घंटे में कितनी एनर्जी खाई उसने। ठीक है, तो उसका फार्मूला है पी पी इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, कितने घंटे के लिए वो पावर उसने उस सर्किट में पावर कंज्यूम की, उसको बोलेंगे पावर इंटू टाइम। मान लो 2 घंटे के लिए, तो अगर पावर 10 वाट खा रहा है तो 2 घंटे के लिए क्या होगा, 10 × 2 तो 20 वाट उसने पावर खाई, एनर्जी खाई। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर लगे होते हैं घर के बाहर, वो क्या है, एनर्जी मीटर है, ना कि पावर मीटर। ठीक है, पावर जो है वो एनर्जी दिखाती है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, मतलब 1 सेकंड में बताया गया या 1 घंटे में बताया गया कितना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या है, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन टू वर्क, मशीन की जो कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर के लिए काम करने की, उसको बोलेंगे कैपेसिटी, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया उसने कुछ उस सर्किट ने, उस मोटर ने, उस बल्ब ने, कितनी देर 2 घंटे के लिए कितना उसने काम किया। ठीक है ना, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। तो इसकी, इसका जो फार्मूला है, E इक्वल टू V इंटू I इंटू T, तो पावर इंटू टाइम हो गया, ये क्या हो गया, पावर इंटू टाइम के आसपास हो गया। तो इसके यूनिट्स क्या है, वाट्स पर सेकंड या फिर जूल्स। ठीक है, तो हमारे जो एनर्जी मीटर है वो जो घर के बाहर लगा होता है वो कैसे, वो होता है 1 kWh के हिसाब से, एक यूनिट उसकी होती है 1 kWh। तो 1 kWh किसके बराबर होता है, जूल्स में अगर देखोगे तो 1 kW × 1 hour, तो मतलब 1000 watts × 3600 seconds, तो ये आता है हमारे पास 3.6 × 10⁶ joules। ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी जो मीटर है उसकी एक यूनिट किसके बराबर है, 3.6 × 10⁶ joules। तो ठीक है, तो आज हमने यही देखा कि पावर और एनर्जी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, वो सेम ही है, बस फर्क क्या है, एनर्जी जो है कंज्यूम्ड वो है, पावर को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी मीटर जो हमारा घर के बाहर जो लगा होता है वो एनर्जी ही नापता है, कितने घंटे में, 5-10 घंटे में, जहां 1 महीने में कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की। तो जो पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, तो
पावर कितनी है उसकी जगदम कोई काम करने की, ठीक है, उसको पावर लोने एनर्जी आ गई पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बस आज का इतना ही था।